नमस्कार किसान भाइयों, हमार किसान भाई नारायण ध्रुवे जी ग्राम कटोरी के रहने वाला हरे। ये है लगातार 3-4 साल से बरबट्टी खेती करत है। अब हम आज एक बरबट्टी से कतेक फायदा हो सकते, कौन सा तरीका से हम खेती करन, एक पूरा जानकारी हमारे नारायण ध्रुवे जी बताए किसान भाई है। तो एक चलो आज आप ला हम बरबट्टी की खेती के पूरा प्रोसेस बता देते हैं, ताकि आने वाला समय आप भी एक खेती ला करके एक अच्छा उन्नत तरीका से खेती कर सको। तो किसान भैया नारायण भैया जय राम गए। नमस्कार। नमस्कार भाई, तो आप बरबट्टी की खेती करत हो, लगभग कतेक दिन से करत हो? ये ला मोला लगभग 10 साल से करत आत हूं। पिछले 10 साल से है नहीं? हाँ। तो अभी तक आप बरबट्टी जैसे खेती करत हो, तो ये में अच्छा प्रॉफिट लगत हुई आप ला? बिल्कुल बिल्कुल। तो इला कौन से सीजन में एकर पहली आप का फसल डाले रहे हमें? एकर पहली हम डाले रहे कि चना। हाँ। चना से पहली धान। अच्छा। मतलब ये जो जमीन में हम अभी तक के हमें कभी खाली नहीं रखे, इला हमेशा निरंतर हम तीनों फसल हम लेते आत। तो जैसे पहली तो रबी फसल में धान और चना खरीद ले लो। चना के बाद कब फसल लगाए, पहली जोताई वगैरह कैसे करते हैं हम, तैयारी? जैसे हम चना ला काटे, चना काटे के बाद अब जैसे अपन ये खातु वतु जो भी रहते तेन ला घर के तुरंत एक व्यवस्था करथन पाला वाला करके, और पाला वाला करे के बाद ना इला जस्ट 2-3 दिन के अंतर्गत हम ला जोताई उताई करके तुरंत मांदा वांदा खिंचवा के इला अपन 8 दिन के अंतर्गत जल्दी से जल्दी जितना हो सके वही लगभग त्यौहार के आसपास, होली त्यौहार के आसपास ये खर हम लगाई लग कर देथन, ओकर आगे पीछे हो जाते त्यौहार के ऐसे एकर। ठीक ठीक ठीक। शुरुआती तरीका है। अच्छा अच्छा। तो इमें इसी मांदा अपन ट्रैक्टर से बना देथन है नी? तो मांदा बनाए के बाद में कौन से वैरायटी बीज ज्यादा अच्छे रहते आप जैसे लगात हो अभी तक लगातार? मैं तो एक वैरायटी एक ललिता कंपनी के जो बरबट्टी है वीएनआर के। हां वीएनआर के। अच्छा अच्छा। तेने लही मैं शुरू से अब का जो लगे ना सिर्फ ललिता की कंपनी से ही। अच्छा अच्छा। और ये कौ है जिन्हा ये कौ वैरायटी का है जोन साकार रूप के। अच्छा अच्छा। और साकार ला घलोक एक ठन सामने वाले जो डोली है तिनमें साकार रूप के बरबट्टी घलोक आप प्रैक्टिकल करे हम। अच्छा अच्छा। पर मोला सबसे अच्छा लगते कि ललिता बरबट्टी बेहतर है। तो इमें जैसे ललिता बरबट्टी एकर तो ब्रांड हो गए है ना वैरायटी, और देखियो अभी बहुत अच्छा छोटे छोटे रूप में, अभी लगभग कतेक दिन के है पौधा अभी? ये है पौधा लगभग ना 20 दिन के आसपास के। 20 दिन के आसपास के पौधा है अभी, देख सकते हो किसान भाइयों, बड़ा लहलहात है, बड़ा अच्छा लगत है पौधा है, और लगभग 20 दिन के हुए बोला थे, मतलब जैसे लगाए के 20 दिन अभी हो चुके हैं, ये अभी मतलब एक फसल हम ले में और कतेक दिन लग सकते, लगभग जैसे आज लगा था तो के दिन ले लेते फसल दे में? यह लगभग लगभग 1.5 महीना के आसपास ये पूरा हो जाते है ना। हाँ, 1.5 महीना में अपन फल फूल लेके ना शुरुआती हो जाते। तो ओखर बात कतेक दिन तक आते? ओखर बात है ना वही 1 महीना ले हम कंटिन्यू से करना हम तोड़ाई कर रोज के। हाँ, रोज है ना। हाँ। मतलब एक दिन यहाँ से तोड़ू कुछ दूरी के ला, एक दिन तोड़ू इसे। अगर हम एक अभी लगभग आप लगाए हो बरबट्टी आधा एकड़ से ज्यादा में लगे है आपके बरबट्टी लगत है मोला, तो इमे लगभग डेली आप जब फसल आई तो कतेक के उत्पादन हो सकते रोज के एकर? रोज के एकर में यहाँ से वहाँ तक के लेकर के ना मैं प्रतिदिन लगभग प्रतिदिन कहे जाए तो एक परत में मैं नहीं तोड़ सकूँ, 1 क्विंटल प्रतिदिन ले सकता हूँ। वाह बहुत बढ़िया फसल के है। तो एक परत यदि सबूल तोड़ना है इसे कहूँ ना 5 क्विंटल निकल ही है। अच्छा अच्छा। तो चरणबद्ध में चरणबद्ध तोड़ना रहते हो ला, एक साथ तो तोड़ नहीं सकन ना, लेग तोड़ डरबो 5 क्विंटल तक लेग नहीं सकन ऐसे। तो एमे खर्चा ऐसे का है आप लोग जैसे सिस्टमेटिक देखा जाए लास्ट तक के? अभी तक के तो मोर अनुमान से खर्चा तो बहुत कम लागत लगते और जोताई में तो लगी। हाँ, और जोताई सभी फसल में लगते हैं। जोताई तो जरूरी है, जोताई है मांदा है और बीज लत ले बेचे। अच्छा। बाकी तो अभी ऐसे कुछ नहीं करे हमें। इला बेचे के लिए प्रोसेस का है आप जैसे यहाँ से तोड़ के लेगे एक बार मंडी लेक थो कि गांव में घूम के? नहीं नहीं नहीं, अभी तक को तो हम मंडी में ही एकर सेल करत हम। अच्छा। हाँ। का रेट तक के चले जाते मंडी में है? का रेट एकर रही जाए लग से 10 से 12-15 हो सकते हैं। अच्छा।
20-25 मैं तो 35-40 तक के भी बेचे बेचे बहुत बढ़िया रेट है। जब आधा एकड़ में 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल के एवरेज निकला थे और 30-35 तक भी जाते बहुत अच्छा रेट है का। तो अंत में मैं आप लोग पूछना चाहूँ किसान भाई जानकारी के लिए, तो आप एक एवरेज अगर निकाला जाए ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना की फसल लगत हमला है ना, मार्च हम लगात हन तो मार्च अप्रैल मई जून तक के, जुलाई में फिर धान में डालत हो मोर ख्याल से धान डाल है ना, तो इसमें रोपा लगा देते हो यही में? बिल्कुल बिल्कुल रोपा लगा देते हैं, पूर्व तैयारी कर रहे थे अपन फसल निकलते रहते हैं। तो यह ग्रीन खाद के भी काम करत हो धान के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, एला तो उखाड़ के फेंकन भी नहीं, एला जेंकते हैं यही के यही एला दबा देते। तो कहा जाए तो ये फसल ले से दो फायदा अगर देखा जाए तो एक तरफ हमार कृषि उन्नति हो जाते, हमार घर के लिए 2 पैसा के लिए बचत भी हो जाते, और साथ में ग्रीन खाद के भी काम करते हैं, काबर एला उखाड़ के फेंके की जरूरत नहीं पड़े, यही चला सीधा आप ट्रैक्टर या नागर से बता देते हो, ओकर बाद में धान रोपाई लगते, तो ये ग्रीन खाद के भी काम कर देते हैं और बहुत अच्छा है। तो लगभग आप एवरेज अगर देखा जाए आधा एकड़ के एवरेज, तो हम कतेक तक किसान ला एक्सपेक्ट करन कि इतना हमार इनकम हो सकते पूरा आखिरी खेती तक के? एकर कम से कम जितना में जितना खेती करें ओकर एवरेज में लगभग 50,000 कम से कम आधा एकड़ के कम से कम कृष्णो मिनिमम 10 रुपए भी किलो जाहित 50,000 हम ले सकते हैं। मुश्किल से में खर्च कते का सकत है अगर एवरेज देखा जाए? एक एकर खर्च लगभग लगभग 10,000 तो हमला अगर हम 10,000 फसा लगात हन तो हमला 4 गुना करके है दे थे अगर मेहनत अच्छा से करत हन। बिल्कुल तो ठीक है, अब हमारे किसान भैया नमस्कार, और ऐसा हम और दोबारा आबो आपके पास एकर बारे में जानकारी लेबर फल फूल के समय। धन्यवाद।